I'll show you how are they talking. She's showing her cycle to Moira. Moira is there, show me, give me phone. मुझे मायरा से बात करनी है. मायरा वो उसको साइकिल दिखा रही है, वो अपने टॉयज दिखा रही है. जब हम इंडिया जाएंगे तो वो मायरा हम लोग चलाएंगे ना वो. अभी होगी लड़ाई फोन पे. कहाँ गई मायरा? अच्छा मायरा शोइंग टॉयज. ओके मायरा आई एम मेकिंग वीडियो. हाँ हमारा इस घर का फोर्थ मैट्रेस. ये है मतलब फर्स्ट आया था मेमोरी फोम मैट्रेस, देन आया था फर्म मैट्रेस, थर्ड आया था एक्स्ट्रा फर्म, और ये कौन सा है बहुत स्टडी करने के बाद में दीपक ने कौन सा लिया मैट्रेस? पॉकेट कॉइल. पॉकेट कॉइल. कॉइल इसमें स्प्रिंग है, बट आप तो स्प्रिंग के एंटी मतलब थे, आपको पसंद नहीं था स्प्रिंग मैट्रेस. मैंने पढ़ा फीडबैक तो ट्रायल है तो नो हार्म. मतलब तो मैं दो चार दिनों से सोफा पे सो रहा हूँ, सोफा स्प्रिंग वाला है. हाँ. और सुबह उठ के मेरी बैक स्टिफ नहीं होती. सो मतलब 4 मंथ हमें हो जाएंगे. आज कितना है? कल हमें 4 मंथ हो जाएंगे. तो फोर्थ मैट्रेस इन 4 मंथ. ऐसा नहीं है कि मैं सारे खरीद के डोनेट कर रहा हूँ, रिटर्न हो रहे हैं सारे. ये क्या हुआ? ये एम्बर आपका रूम का है? शो मी योर रूम. शो मी योर रूम. शो शो शो. वेयर? एम्बर सेइंग आई विल स्लीप अलोन देयर. सो ये जो मैट्रेस अभी रिटर्न करना है तो अभी के लिए ये एम्बर का है. और आज दिव्या भी आ रही है तो एम्बर यहाँ पे अभी सोएगी. विल यू स्लीप विद दिव्या मासी हियर? पक्का? प्रॉमिस? तो अभी ये इन दोनों का बेडरूम है अभी के लिए. तो यहाँ पे अभी सिंगल मैट्रेस आना है, बट देख रहे हैं अभी वो. तब तक के लिए ये है, और जब रिटर्न हो जाएगा देन विल सी. यू लव दिस? बाय. गुड नाइट. हाय. गुड मॉर्निंग. या सो अभी ये है 12 इंचेस का. 12 इंचेस है ना ये इसकी हाइट. तो इसको भी देख लेते हैं. अला ज्यादा ऊंचा भी नहीं पसंद, बट ठीक है ये इसकी. आप अपने बेडरूम में जाओ ना अंबर. गो अपने बेडरूम में जाओ. ये तो मम्मा डैडा का बेडरूम है. ओ नाने इसको मस्ती लगी है. चलो चलो. सो गाइस दिव्या ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपका फेस छोटा सा लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर रही हूँ अभी. तो ये मतलब मैं बोलती हूँ कि ये मेरी सिस्टर है. तो ये सिस्टर की तरह ना, जैसे जब ससुराल में आती है ना बहनें या फैमिली कोई आते हैं, मतलब अपनी किसी बेटी के घर पे आते हैं ना, तो बहुत सारा सामान भर के लेके आते हैं. तो ये देखो ये मैं लेके आ लेके आई भाई मायके से. क्या है? लुक एट दिस. ये पूरा भर के आया. आई डोंट नो क्या क्या है इसमें. क्या क्या है? ऑल बेडिंग स्टफ. बेडिंग स्टफ है ये. ये दिस इज आइए. अच्छा रख गया वो दूसरा. काइंड ऑफ रख. ये मैंने उल्टा इसलिए किया क्योंकि वाज अ वाइट साइड. वाओ. साइड में बेड के ऊपर. बेड साइड. या साइड के लिए. इट्स लाइक अराउंड अ काइंड ऑफ स्टफ. वेरी नाइस. क्या कर रहे हो दीपक? दिव्या लड़के ढूंढ रहे हैं. और कहाँ पे ढूंढ रहे हो? टिंडर. देखो तो सही. दिव्या आर यू इंटरेस्टेड? कैसा चाहिए लड़का? जीनी चाहिए तुमको? जीनी? नो जीनी मेरी. टिंडर में दीपक को इतना इंटरेस्ट आ गया. टिंडर कहाँ? मतलब टिंडर इज नॉट बैड ना. इट्स लाइक भारत मैट्रिमोनियल ना. हाँ ना. अरे ये इससे इससे नाम नहीं प्रनाउंस होगा. दिव्या ये इसका नाम भूल गया. दिव्या मेरे पति का नाम ही भूल गई. सुन नहीं मेरे पति का नाम क्या? नाम क्या है? क्या नाम इसका? यूप. यूप क्या? यूप. यूप. एम्बर एम्बर से यूप. यूप फूफा. दिव्या तुम बच्चे किसी का गंदा देखो ये लोग लड़के थे और मुझे पता ही था कैसे यूज करते हैं. दीपक और मैं देख रहे हैं लेफ्ट राइट कर रहे हैं. पर चले हम दोनों ही दीपक एक दूसरे के लिए अपने सोल में ढूंढ ले. इसके लिए बनाया जा रहा है वो गैस साफ कर रही है. हगी इसको हगी चाहिए अंबर. और हम लोग बच्चों वाले देखो हगी हगी हगी. अंबर मौसा ढूंढ लेना. मौसा जी. मौसा. मौसा जी. इंडियन चाहिए? इंडियन लड़का कोई भी नहीं. इंडियन लड़का नहीं चाहिए.
तो इंडियन संस्कार ही तुम में एक गुण तो इतने हैं कि तुम क्यों वेस्ट करने दूसरे पे हैं। एम्बर से करनी शादी, दिव्य मस्त शादी कर ले, दिव्य मस्त शादी कर ले। किसके साथ शादी करे वो? शादी गुड मॉर्निंग गाइज। सो इट्स इट्स सैटरडे एक्चुअली और ईस्टर हॉलीडेज चल रही है। तो दिव्या परसों आई थी और कल भी परलिन सुबह से आई थी और शाम को उसके पेरेंट्स आए थे। तो आई वॉज बेबी सिटिंग तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई। तो आज हम ब्रंच के लिए आए हैं और ब्रंच के बाद हम मैं और दिव्या जाएंगे शॉपिंग मॉल और दीपक और एम्बर रहेंगे घर पे। पहले प्लान था कि लेके जाएंगे बट कोई कोरियर आने हैं अमेजोन से और दीपक रिस्क नहीं लेते, आपको पता हिस्ट्री। तो बोलते हैं कि नहीं कोरियर आएगा, मैं मिस नहीं करना चाहता, तो वो नहीं आएंगे। हम घर पे वापस आ जाएंगे तब दीपक जाएंगे। तो अभी यहाँ पे एक ब्रंच के लिए है काफी अच्छा प्लेस, तो वी आर जस्ट गोइंग देयर। ओके गाइस, सो इट्स सो बिजी और व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इट्स जस्ट अ टेक अवे और कुछ ऐसा होगा रेस्टोरेंट, बट इट्स ह्यूज और एम्बर तो बिजी है कुछ देखने में और एम्बर ऑलरेडी हैड हर ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पर जब मैंने ऑर्डर दिया तो दे ऑप्शन हुआ। सो व्हाट हैपन कि आज वीकेंड है तो वीकेंड स्पेशल काफ़ी अच्छा मेन्यू है, बट द वर्स्ट थिंग इज दे डोंट हैव चिकन ऑन वीकेंड्स। तो मैं चिकन ही खाती हूँ, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अभी है एग्स खा रही, मतलब एग्स और वॉफल वगैरह कुछ ऐसी ऑप्शन है। तो विल सी क्या है और बाकी ऑप्शंस हैं तो दिव्या और दीपक क्या नीड। दीपक हाउ आर यू फीलिंग हैविंग ब्रेकफास्ट एट न्यू प्लेस? गुड। मैंने कॉफ़ी लेने से पहले ही मैंने इसमें चीनी और दूध मिला लिया था, फिर असल बाद में कॉफ़ी डलवा ली। तो ब्रेकफास्ट ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गाइस लुक एट दीज टू, क्या बोल रहे थे आप एक दूसरे को? दीपक क्या बोल रहे थे दिव्या और आप दोनों एक दूसरे को? छपरी। ये छपरी वन है, ये छपरी टू है। दोनों बैठ बैठ के इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहते हैं घटिया से घटिया और एक दूसरे को भेजते रहते। फिर बोलते दिव्या तू है और बोलते दिव्या जीजू आप हो, बस दोनों यही काम कर रहे हैं। देखो 12:30 हो गए रात के, मैं बेचारी वो मूवी देख रही थी बैठी बैठी और बीच में दोनों हंस रहे हैं, लोट पोट हो रहे हैं। अभी भी देखो इनको कोई मतलब नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। दीपक देखो पता है ना गलती है, पता है ना ये काम कर रहे हैं। दिव्या कौन सी टाइप की वीडियोस देखते हो आप रील्स? जो इसकी पर्सनैलिटी को मैच नहीं करती वो देख रही है। दीपक घटिया से घटिया निकाल के दिखाते हैं। दिखा वो वही जो आपने दिखाई थी दिव्या डांस करेगी मेरी शादी बोल रही मेरे बर्थडे पे। ये है जो दीपक ने बोला कि दिव्या तुम्हारे शादी पे तुम्हारे बर्थडे पे डांस करेगी। ऐसे दिव्या ऐसे डांस करोगे? गुड मॉर्निंग, सो नमस्ते। हम आए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए बट रास्ते में सोचा ये नदियाँ पार करके हम जाएंगे। ये इट्स अ क्रीक, ब्यूटीफुल क्रीक। सी डक आई एम्बर को बहुत अच्छी लगने वाली थी ये। हम शाम को लेके आ जाएंगे, आ सकते हैं या बट सो आज कल मैंने ये मैंने देखा था ये ऐसे पूंछ उठाने मतलब उठा गए तो मतलब क्या बता रहे हो आप अबाउट स्कंक? हाँ कैनेडियन फैमिली उनको तो पता है स्कंक के बारे में बट स्कंक इज लाइक ब्लैक एंड इट्स लाइक स्क्विरल, लुक्स लाइक इट्स अ बिगर देन अ स्क्विरल, लाइक इट्स लुक लाइक अ कैट व्हेन यू सी इट एंड बट इट्स लाइक
when he comes near to the people, his protection is a spray. So if he waggle the tray and a tail, and it's like it will straight up, so it's mean you have, it's giving you alert, stop it. How about the smell? Smell, it doesn't go even 7 days. You bath and bath, it comes to your nose and it revolves around your nose. Yeah, it's everybody really says the same about this. Lots of pets, especially dogs, because they have to go under the bushes and they will right there. So we were going to do some grocery shopping and here is this beautiful park, so we thought ki chalo thoda meditate kar lete hain. They are very, very aggressive. Very aggressive. Especially if they are with the family, you will always see geese with you will never see geese alone. It's always with the couple. Okay. And if especially they have a baby, so you have to be okay. Just careful. Turn around. They will attack you for sure. Look at this guy.